Hi guys, welcome to Style and Strike and today I'm going to share my Nykaa haul. So Nykaa से मैंने last week कुछ purchase किया था, बहुत सारी चीजें तो नहीं है, थोड़ी सी चीजें हैं, लेकिन मैंने काफी discount में ही purchase किया था और अभी तक वो discounts चल रहे हैं और even उससे भी ज्यादा कई discounts मुझे देखने को मिले हैं, तो मैं आज वो share करने वाली हूँ. कुछ deals हैं जो कि आप भी try कर सकते हैं, कुछ affordable products हैं जो आप try कर सकते हैं, तो teenagers के लिए video काफी helpful होगी, I think so. तो ये lipstick जो मैंने pair किया है, मैंने Nykaa से ही purchase किया है, Lakme की लिपस्टिक है और ये है लैक्मे फॉरएवर मैट लिक्विड लिप कलर और ये वाला शेड है, आप देख सकते हैं न्यूड शेड है ये एंड इसका जो नेम है वो है न्यूड मिथ नंबर 1717 एंड ये लिपस्टिक आपको मिल जाती है 299 में, लेकिन आपको 299 के साथ एक लिपस्टिक फ्री में मिल जाती है. तो मुझे फ्री में मिली है ये वाली लिपस्टिक, मुझे 299 में और एक साथ में फ्री मिली थी, बट अभी ये वाला ऑफर नहीं चल रहा है, मेबलिन पे ऑफर चल रहा है एंड के ब्यूटी पे भी आप देख सकते हैं. अगर आप 1500 के प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आपको एक क्रेयॉन मिल जाता है फ्री और वो के ब्यूटी का क्रेयॉन बहुत ही अच्छा है गाइज, आप कोई भी शेड चूज कर सकते हैं. तो ये वाला मुझे लिपस्टिक बहुत अच्छा लगा, अगर ऑफर चल रहा है तो आप ले लीजिए और वैसे भी अगर लेंगे तो सिर्फ 299 में कुछ नहीं आता है गाइज, बहुत अच्छी लिपस्टिक है एंड स्टेइंग पावर भी बहुत अच्छा. हैंड पे मैं स्वॉच दे देती हूँ इसका, आपने देख तो लिया ही है, वैसे मैं थोड़ा सा ही लूंगी तो बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है एंड यू सी गाइज बहुत ही प्यारा शेड है, टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा शेड है. और इसके साथ जो फ्री में मुझे मिला है वो शेड भी मैं दिखा देती हूँ आपको. तो मैंने इस बार कुछ अफोर्डेबल में ही शॉपिंग, लैक्मे बहुत अच्छा ब्रांड है और लैक्मे ने फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया था मेकअप गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए, तो लैक्मे बहुत अच्छा ब्रांड है एंड यू शुड ट्राई इट. तो यहाँ पे अब ये जो फ्री वाली लिपस्टिक है वो उसका स्वैच दिखा रही हूँ मैं, तो स्वैच देखिए कितना पिगमेंटेड है एंड गाइज बहुत अच्छे हैं ये वाले जो फॉरएवर मैट के शेड्स हैं. एक पिंक शेड, पिंक ग्लैम करके नेम है, वो शेड भी बहुत अच्छा है, आप वो भी चेकआउट कीजिए. तो इसका नेम है ऑरेंज टैंगो, सो ये मैंने चूज नहीं किया था, ये उन्होंने फ्री दिया है उस लिपस्टिक के साथ, तो ये कोई भी फ्री लिपस्टिक मुझे मिल गई, मतलब रेंडमली उन्होंने सेंड किया है. 07 ऑरेंज ग्लैम एंड नॉट बैड, दिस शेड इज टू गुड. सो लैक्मे का ही मैंने एक और चीज परचेज किया है जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है एंड लैक्मे का एक वो चीज थी जो मैं हर मेकअप में शायद मैं यूज करती थी और काफी यूज करती थी, तो ये है लैक्मे का ब्लर परफेक्ट प्राइमर. मेरे पास इसमें बड़े वाली पैकेजिंग भी है बट मैंने छोटी वाली पैकेजिंग में मंगा ली, कहीं ट्रेवल करते हैं तो ये छोटी वाली पैकेजिंग सही रहती है. तो 299 रुपीज में आपको ये मिल जाती है. अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ये प्राइमर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा प्राइमर है ये और कितना ज्यादा अफोर्डेबल है एंड अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है तो आप बड़ी वाली ट्यूब ही ले लीजिए, थोड़ा सा ठीक रहता है, प्राइस 500 समथिंग की और ये 299 के, और अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ये वाला छोटा वाला पैक आप ले सकते हैं. तो मैंने लिया है ये मेकअप फिक्सर जो कि स्विस ब्यूटी का है एंड स्विस ब्यूटी का मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, नहीं नहीं एक नहीं दो एक्चुअली लिक्विड शेडोज भी मैं यूज कर रही हूँ, उनकी आई शेडोज बहुत अच्छी हैं और एक कंसीलर पैलेट भी मैं यूज कर रही हूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. सो मैंने अभी ये मेकअप फिक्सर लिया है, मैं कुछ अफोर्डेबल में चाहती थी. वेट एंड वाइल्ड का मुझे काफी अच्छा लगता है, ब्लू हेवन का मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है एंड मैक का मैं यूज करती हूँ, तो लेकिन वो मैं सिर्फ तब के लिए रखती हूँ जब कुछ ग्लैम लुक करनी है या फिर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ पार्टीज में तो वो यूज करती हूँ. अफोर्डेबल में मैं सोचती हूँ कि कुछ आपको मैं अफोर्डेबल बता सकूँ, तो ये वाला काफी अच्छा है और मैंने ये यूज कर लिया है एंड इसमें बिल्कुल भी आपको तेज फ्रेग्रेंस नहीं लगेगी एंड मेकअप भी अच्छे से सेट करता है, इवन ये आप मेकअप से पहले भी यूज कर सकते हैं, मेकअप के बाद भी. और ये मिला था मुझे, ये भी 299 समथिंग का ही था, मतलब ये डिस्काउंट पे चल रहा है तो आप चेकआउट कर सकते हैं. ये वाला वो लैक्मे का ये कॉम्पैक्ट लिया है, फर्स्ट टाइम मैं लैक्मे का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ, मैं मेबलिन कॉम्पैक्ट यूज करती थी तो लैक्मे का कॉम्पैक्ट मुझे ठीक लग रहा है एंड प्राइस के अकॉर्डिंग ये ठीक है, बट लैक्मे मेबलिन का मुझे काफी ज्यादा पसंद है जो फिट मी मैं यूज कर रही हूँ एंड उससे पहले मैं वाइट ब्यूटी यूज करती थी. तो ये वाला शेड मैंने लिया है जो कि थोड़ा सा लाइटर है बट ठीक है, अच्छे से सेट करता है मेकअप को, प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छा है, 150 का एंड दिस इज नेचुरल मार्बल. अगर आपका कलर जो है स्किन का फेयर टू विटिश स्किन है अगर आपकी टोन, तो ये आप ले सकते हैं और इसमें 3 शेड्स और थे तो आप चेकआउट कर सकते हैं, ये भी आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा. नेक्स्ट थिंग मैंने जो ली है वो मस्कारा लिया है, मैं कुछ अफोर्डेबल में मस्कारा ढूंढ रही थी तो मुझे यही वाला दिखा और ये मैं सबसे पहले यूज किया करती थी. सबसे पहले जो मैंने मस्कारा लिया था अपनी लाइफ में वो मैंने यही लिया था, मेबलिन कोलोसल वाटरप्रूफ मस्कारा है ये, पहले मैंने वाटरप्रूफ नहीं लिया था, अब मैंने इस बार वाटरप्रूफ लिया है. मुझे ये मिल गया 250 to 300 के अराउंड, इस पे भी डिस्काउंट चल रहा था तो आप चेकआउट कर सकते हैं, मेबलिन पे अभी भी डिस्काउंट्स चल रहे हैं एंड ये मस्कारा गाइज बहुत ही अच्छा है, बेसिक वाला मस्कारा है एंड इवन अच्छे से कर्ल करता है आपकी लैशेस को एंड बहुत ही अच्छी वॉल्यूम भी देता है, तो ये बेसिक वाला मस्कारा बेस्ट है मेबलिन का, आप ये ले सकते हैं. उसके बाद मैंने जो लिया है मेबलिन से अफोर्डेबल में
वो मैंने लिया है ये पेंसिल, अभी मैंने यूज किया ये पेंसिल। तो ये आईब्रो पेंसिल है जो कि है मिस क्लेयर की, एंड मैंने शेड लिया है डार्क ब्राउन। 70 रुपीज की पेंसिल है और उस पर भी मुझे डिस्काउंट मिल गया, आई थिंक मुझे 60 रुपीज की मिल गई। और इसके साथ आपको ये सिर्फ ये ब्रश मिल रहा है जिससे कि आप थोड़ा सा अपनी आईब्रोज को कॉम कर सकते हैं, बट यस फुली ब्रश तो अब इस प्राइस में मिलेगा नहीं। आपको शार्पनर वाला चाहिए तो 120 रुपीज का है वो, उसमें आपको ब्रश भी मिल जाता है तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। बट आई सजेस्ट कि आप ये वाला ले लीजिए 60 रुपीज में, नॉट बैड, बहुत ही अच्छा वर्क करता है एंड काफी अच्छे से देखिए फिल करता है आईब्रोज को, काफी नेचुरल इफेक्ट आ रहा है। एंड ब्राउन शेड बेस्ट रहता है, जो डार्क ब्राउन शेड होता है, लाइटर शेड मत लीजिए। उसके बाद जो मैंने लिया है तो मेरे पास LE18 की पहले क्रेयॉन्स भी थे, एंड ये वाला जो कलर पॉप लिपस्टिक है ये भी था ब्राउन कलर का, लेकिन वो एक्सपायर हो गया, वो मैंने फेंक दिया, मैंने यूज ही नहीं किया। एक्चुअली मैं क्रीमी लिपस्टिक्स यूज नहीं करती हूँ, बट मुझे अफोर्डेबल में कुछ वीडियो बनाना था तो मैंने ये ट्राई करने का सोचा। एंड कई बार होता है मन करता है कि हम क्रीमी लिपस्टिक्स ही अप्लाई करें, क्योंकि ड्राई होते हैं लिप्स तो क्रीमी लिपस्टिक्स का मन करता है। एंड इस कलर पॉप में बहुत सारे शेड्स आते हैं, टीनएजर्स के लिए, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है ये LE18। एंड यहाँ पे मैंने इसमें शेड लिया, इसके साथ भी एक 1x1 का ऑफर चल रहा था, अभी भी शायद चल रहा होगा तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो 1x1 में मुझे मिला है, जो फर्स्ट शेड है जो मैंने लिया था वो W52, एंड इसका शेड यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, एक्चुअली W52 नंबर ही गया हुआ है। तो ये कलर पॉप सिल्क लिपस्टिक है, 100 रुपीज की लिपस्टिक है, उसके साथ आपको ये कलर पॉप मैट लिपस्टिक फ्री मिलती है, जबकि ये मैट नहीं है, ये थोड़ा सा क्रीमी में आ जाता है। और इसका शेड जो है पिंक किस P21। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ जो मैंने लिया था, जो मैंने चूज किया था वो ये बेरी शेड है, तो यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ 100 रुपीज में। इट इज वेरी वेरी पिगमेंटेड एंड टीनेजर्स के लिए, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी है ये। और जब आपका मन करता है क्रीमी लिपस्टिक्स यूज करने का, ऑन दैट डेज यू कैन यूज इट। और इसकी थोड़ी सी फ्रेगनेंस है इसके अंदर, लाइक चॉकलेटी फ्रूटी स्मेल है इसके अंदर। और ये जो पिंक किस आया है जो साथ में फ्री मिला है वो देख लेते हैं आप, एंड दिस इज फ्री वाला जो लिपस्टिक मुझे मिला है। और ये वाला भी देखिए बहुत ही प्यारा शेड है, एंड सो मच पिगमेंटेड गाइस, सो मच पिगमेंटेड, बोथ शेड्स आर सो गुड, आई एम लविंग इट। ओके नेक्स्ट जो मैंने लिया है ये मैंने ऑफर में लिया है, तो ये मुझे मिल गया है रुपीज, लेट मी सी इट, तो जितना इसके ऊपर MRP लिखा हुआ है 225, ओके 225 का ही मुझे मिला है। एक्चुअली इसके साथ आपको गार्नियर बीबी क्रीम फ्री मिल जाती है, और ये जो मिसलर वाटर है इट इज वेरी गुड फॉर वाटरप्रूफ मेकअप। और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप वो सिंपल वाला गार्नियर मिसलर वाटर ले सकते हैं जो वाटर बेस्ड होता है, और अगर आपकी सेंसिटिव नहीं है, नॉर्मल स्किन है, तो ये ऑयल वाला ले सकते हैं आप, ये वाटरप्रूफ मेकअप के लिए ठीक रहता है। इवन दूसरा मेकअप भी अगर जल्दी से उतारना चाहते हैं आप तो ये वाला ठीक है। तो मेकअप रिमूवर तो मस्ट होता है, मेकअप अगर ले रहे हैं तो मेकअप रिमूवर ले लीजिए। तो ये पैक जरूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी डील है ये, बीबी क्रीम फ्री मिल रही है, एंड ये जो गार्नियर की बीबी क्रीम है ये बहुत अच्छी क्रीम है, एंड ये ड्राई स्किन वालों के लिए काफी अच्छी है, मैं यूज करती हूँ, एंड ये आपके फेस पे ग्लो देता है। तो मेरी वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, गार्नियर बीबी क्रीम के साथ मैंने मेकअप भी किया है, वो आप चेकआउट कीजिए। उसके बाद जो मैंने लिया है वो लिया है ये मेबलिन का कलोसल पेन आईलाइनर। तो मेरे पास पहले भी पेन आईलाइनर था, लेकिन वो डिफरेंट वाला टैटू वाला आईलाइनर था जो कि मेबलिन का था, एंड वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। ये वाला इतना कॉस्टली नहीं है, ये 200 के अराउंड मुझे मिल गया है डिस्काउंट पे, 420 इसका MRP है, लेकिन डिस्काउंट पे चल रहा था तो मैंने फटाफट से ले लिया, अभी भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसकी निप बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छे से ये लाइनर ड्रॉ हो जाता है इससे, एंड ये दिस इज जेट ब्लैक, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, एंड इवन आप ऐसे से रगड़ भी देंगे ना इसको तो ये तब भी नहीं उतरेगा, एक बार सेट हो गया तो सेट हो गया आपकी आईज पे, अगर आपकी आईज वाटरी हैं तो ये आप फटाफट से ले लीजिए, डिस्काउंट पे है अभी ले लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर डिस्काउंट में नहीं मिल रहा तो डिस्काउंट का वेट कीजिए, आ जाएगा डिस्काउंट, तो ये ले लीजिए आप। एंड उसके बाद जो मैंने लिया है वो है ये वेट एंड वाइल्ड का लिक्विड आई शेडो, एंड ये भी डिस्काउंट पे था तो मैंने ले लिया फटाफट से। ये शेड जो है ये है शेल्स एंड विसल्स, एंड ये शैम्पेन शेड है, बहुत ही प्यारा सा ये आई शेडो है, ये मैंने यूज भी किया है एक वीडियो में, तो ये मैंने यूज किया था मेरी जो मंत्रा वाली वीडियो है उसमें, आपको वो मेकअप लुक बहुत अच्छा लगा तो आप वो देख सकते हैं वीडियो, जो कि इंस्टाग्राम पे भी है एंड आप यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं यूट्यूब पे, तो आप ये देखिए बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर लगता है जब हम इसे अपनी आईलिड्स पे लगाते हैं, एंड ये बिल्कुल ड्राई होकर उतरता भी नहीं है, स्मज भी नहीं होता एंड स्टिक हो जाता है आपकी आईलिड्स पे, बहुत प्यारा है।
उसके बाद जो मैंने लिया है मेबलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा लिया है, और अगर मैं कंपेयर करूं इसको और इसको तो मैं आप कहूंगी कि ये वाला आप ले लीजिए, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। मैंने जस्ट ट्राई देने के लिए ये लैश सेंसेशनल मस्कारा लिया है, ये बहुत अच्छे से कर्ल करता है, बट वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम एंड कर्ल ये दोनों ही करता है, तो ये वाला अफोर्डेबल भी है, आप ये वाला ले लीजिए। ये भी मुझे अच्छा लगा, इसका थोड़ा सा जो ब्रश है स्पूली है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, एंड इसीलिए ये कर्ल बहुत अच्छे से करता है, तो लैश सेंसेशनल मस्कारा भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट दिस वन, दिस इज द बेस्ट। और उसके बाद जो मैंने लिया है वो ये लैक्मे का काजल लिया है, अभी तक मैंने इसे ट्राई नहीं किया और अभी खोला भी नहीं है, और इसका 2 का पैक मुझे दिख रहा था एंड वो कुछ डिस्काउंट पे भी चल रहा था, अगर आप पहले से लैक्मे का यूज करते हैं तो 2 वाला पैक ले सकते हैं, बट मैंने सोचा कि मैं पहले ट्राई कर लूं क्योंकि मैंने ये काजल कभी यूज नहीं किया है। एंड के ब्यूटी का काजल मैंने लिया है जो अभी नायका से, वो है ये 24 आवर लास्टिंग के ब्यूटी का, एंड ये जो शेड है ये स्पेड ब्लैक शेड है, और ये काफी अच्छा है, अगर आपकी वाटरी आईज है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। एंड इसका एमआरपी है, इसका एमआरपी यहाँ पे नहीं लिखा है एंड मैं भूल गई हूँ इसका एमआरपी मैंने कितने में लिया था, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं, कुछ अराउंड 200 का ही है, बट ये वर्थ बाइंग है बिकॉज इससे बिल्कुल भी वाटरी आईज अगर आपके हैं तो ये उतरेगा नहीं, और बिल्कुल भी मुझे ये इरिटेट नहीं किया था, मेरी आईज बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। अभी लैक्मे का मैंने यूज नहीं करके देखा। और उसके बाद एक मैंने जो काजल लिया वो LE18 का है, ये बहुत ही सस्ता है गाइज, 70 रुपीज में आपको ये मिल रहा है, तो टीन एजर्स के लिए, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए काफी अच्छा है, और ये थोड़ा सा स्मच होना शुरू हो जाता है थोड़ी देर बाद, 3-4 घंटे बाद, अभी मैंने यही लगाया हुआ है, लेकिन ये जेट ब्लैक काजल है, मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाला, सो सी इट इज जेट ब्लैक, एंड के ब्यूटी वाला भी मैं आपको दिखाती हूँ, के ब्यूटी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं आप अगर आपको ये अच्छा काजल ढूंढ रहे हैं तो। सो इट इज जेट ब्लैक। लैक्मे के मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले लिए ट्राई करने के लिए, और ये लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस ब्राइटनिंग डे क्रीम है, मैंने इसे 2 बार ही अभी लगाया है, तो मुझे ऐसा कुछ ब्राइटनिंग वाला दिखा तो नहीं अपने फेस पे, और इस पे लिखा है सनस्क्रीन के साथ, तो आई डोंट नो इसमें सनस्क्रीन है कि आप सोचें कि सनस्क्रीन तो अप्लाई नहीं करेंगे, हम यही वाला अप्लाई कर लेते हैं और बाहर चले जाते हैं धूप में, तो ऐसा नहीं है क्योंकि इस पे कुछ भी मेंशन नहीं है गाइज, SPF तो है ही नहीं, सिर्फ लिखा है विद सनस्क्रीन, तो आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर SPF होगा और आपको इसके साथ बाहर जाना चाहिए। हाँ, आप ये डे क्रीम की तरह यूज कर सकते हैं, तो मैं इसे डे क्रीम की तरह ही यूज करने वाली हूँ, और अगर आप इसका रिव्यू चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं यूज करती हूँ और उसके बाद बताऊंगी। ये है अगेन आई एम टेलिंग यू परफेक्ट रेडियंस क्रीम फ्रॉम लैक्मे ब्राइटनिंग डे क्रीम, इसका नाम ही डे क्रीम ही है, तो आप डे में यूज कर सकते हैं, और ये ट्यूब आपको मिल जाती है 15 ग्राम्स की 99 रुपीज में, और मैंने ये छोटे वाला ये ट्यूब लिया है क्योंकि मैंने सोचा ट्राई करते हैं, उसके बाद अगर अच्छा लगेगा तो हम बड़ा वाला भी ले सकते हैं। अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद मैंने अगेन लैक्मे का ही लिया है, तो मेरे को लग रहा है कि लैक्मे है तो मेरे पास बहुत सारा सामान हो गया लैक्मे का, पहले मैं लैक्मे का कुछ भी परचेज नहीं करती थी, मुझे पता ही नहीं था कि इनके प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, और ये लैक्मे का लिपस्टिक लिया है मैंने, अभी ओपन किया आपके सामने, इस बॉक्स में था, एंड दिस इज फॉर 750 MRP है इसका, बट ये आपको 400 में मिल जाएगी नायका पे, जो मैंने आपको 299 वाला दिखाया था ना, ये वाला उसका बेटर वर्जन है ये वाला, तो ये वाला जो है बेटर वर्जन है इससे, ये वाला थोड़ा सा ट्रांसफर हो जाता है बट ये ट्रांसफर नहीं होता है ऐसा मैंने सुना है, मैंने अभी यूज नहीं किया तो मैं आपको रिव्यू जरूर दूंगी। एंड ये वाला जो शेड है काफी अच्छा शेड है, ये कोरल शेड है, अभी मैं आपको बता देती हूँ कौन सा, ब्राउनिश कोरलिश शेड है ये, एंड इस शेड का नेम, इस शेड का नेम यहाँ पे मुझे पढ़ना पड़ेगा, इस शेड का नेम है कोरल फ्लिप, ओके कोरल फ्लिप, दिस शेड इज कोरल फ्लिप, सो ऑरेंजिश ब्राउन टाइप का शेड है ये, अच्छा लगेगा एंड डार्क स्किन टोन्स पे भी ये अच्छा लगेगा। इस लिपस्टिक की फील बहुत प्यारी सी है, जो ये वाली लिक्विड लिपस्टिक थी इसकी इतनी अच्छी फील नहीं आ रही थी, बट इसकी बहुत ही अच्छी सी फील आ रही है और काफी अच्छी सी है ये। एंड नेक्स्ट मैंने कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लिए थे नायका से, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। एंड ये मैंने लिया हाइड्रा बॉम्ब आई सीरम गार्नियर का,
ये आई मास्क है एंड एक ऑरेंज वाला मैं ट्राई कर चुकी हूँ, उसका वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्दी। और ये एक मिंट वाला है आई थिंक सो, दिस ग्रीन पैकेजिंग, और ये 240 रुपीज में आपको 2 मिल जाते हैं आई मास्क। उसके बाद मैंने कुछ प्लम का परचेज किया है नायका से, ऑफर में था और अभी भी डिस्काउंट पे होगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, अमेजोन पे भी ट्राई कर सकते हैं, प्लम पे बहुत अच्छी सेल चल रही है, प्लम की अपनी वेबसाइट पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने ड्राई स्किन के लिए स्पेशली लिया है जिसकी वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ग्रीन टी वाला ले सकते हैं, मैंने लिया है कैमोमाइल टी वाला। सो कैमोमाइल ड्राई स्किन के लिए काफी अच्छी होती है। सो ये है कैमोमाइल एंड व्हाइट टी टोनर जो कि मैंने लिया है प्लम का। तो मैं पहले ग्रीन टी वाला जो इनका मास्क आता है और जो इनकी नाइट जेल आती है वो यूज कर रही थी, बहुत अच्छी है गाइज, इट्स अमेजिंग। और अब मैंने ये टोनर लिया है क्योंकि स्किन मेरी ड्राई है और आगे आगे जैसे विंटर्स आ रही है तो बहुत ज्यादा और भी ड्राई हो जाती है, तो ये टोनर मैं यूज करने वाली हूँ। अगर आप टीनेजर हैं और आपकी स्किन भी ड्राई है मेरी तरह तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, दिस इज वेरी नाइस टोनर। एंड मैंने ग्रीन टी वाला ट्राई किया था, समर्स में यूज करती थी क्योंकि समर्स में मेरी स्किन ऑयली हो जाती है, अब जैसे जैसे विंटर्स आएगी मेरी स्किन ड्राई होने शुरू हो जाती है, तो मैंने इसीलिए ये कैमोमाइल वाला परचेस कर लिया है। और साथ में मैंने फेस वॉश भी परचेस किया है। तो ये है कैमोमाइल एंड व्हाइट टी स्किन रिवाइवल फेस वॉश। और नेक्स्ट मैंने लिया है ये प्लम का कैमोमाइल टी एंड व्हाइट टी ग्लो गेटर फेस मास्क, एंड ये भी ड्राई स्किन के लिए है, मैं एक बार यूज कर चुकी हूँ, वीक में एक ही बार यूज करते हैं इसे, तो रिव्यू बहुत जल्दी आने वाला है इसका और कैसे यूज करना है फुल डेमो आने वाला है इसका। तो यही थे गाइस सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने नायका से लिया है, और भी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, आई थिंक जब मैंने लिया था इतना अच्छा नहीं था, तो अभी आप चेकआउट कर सकते हैं, के ब्यूटी पे भी डिस्काउंट चल रहा है, और मैंने कुछ मैंत्रा से भी सामान लिया है वो मैं इसी में दिखा देती हूँ आपको। तो मैंत्रा पे बहुत अच्छी सेल चल रही है, मेकअप रेवोल्यूशन पे आप ट्राई कर सकते हैं, वेट एंड वाइल्ड पे आप ट्राई कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लश लिया है एंड अभी मैंने यही अप्लाई किया हुआ है, बहुत ही प्यारा शेड है, और अगर आपकी स्किन टोन थोड़ा सा डार्क है तो आप डार्क शेड में ले सकते हैं ब्लश, रेडिश कोरल ऐसा समथिंग शेड था। एंड ये वाला जो है ये है पीच एंड पीचेस एंड क्रीम, यस पीचेस एंड क्रीम, तो ये बहुत ही प्यारा सा पीच शेड है, नॉट पिंक, पीच शेड है। तो मेरे पास पीच शेड का कोई भी ब्लश नहीं था एक्चुअली, इट्स नॉट ओपनिंग, ओके, सो बहुत ही अच्छा, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड। एंड ये 550 का है लेकिन आपको मिल जाएगा 300 और 350 में, तो मेकअप रेवोल्यूशन पे सेल है, मेंत्रा पे, मेंत्रा पे आप चेक कर सकते हैं, बाकी सब आप नायका से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ लिंक्स दे दूंगी जो मुझे मिलेंगे। और यही थी आज की वीडियो गाइस, आई होप सो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, थोड़ा सा प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट्स में सेक्शन में मुझे बताइए कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो, और वीडियो देख के आप चले जाते हैं ना, लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, बस वीडियो देखते हैं, तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इतने सारे प्रोडक्ट्स मैं ट्राई करूंगी, इनका रिव्यू दूंगी आपको, तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है गाइस। एंड किसी का भी आपको अगर रिव्यू चाहिए तो मैं उसका अलग से रिव्यू कर दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।